हेलो एवरीवन। सो एज वी ऑल नो दैट लेस देन 3 months आर लेफ्ट फॉर अपकमिंग आईनीसेट एग्जाम। तो टुडे विल डिस्कस द स्ट्रेटेजी फॉर अपकमिंग आईनीसेट एग्जाम, बट दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर पीपल जिन्होंने नीट या तो नहीं दिया था बिकॉज देयर प्राइमरी टारगेट वॉज आईनीसेट, और जिनका नीट के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं था एंड दे जस्ट गेव नेट नीट ताकि उनको एक बस प्रिपरेशन का आइडिया लग पाए। बाकी जिन लोगों ने भी अपना नीट को प्राइमरी टारगेट मान के दिया, अपना 100% नीट में दिया, स्टे का ब्रेक टिल योर रिजल्ट सो डेट यू विल गेट रिलैक्स। और अगर आपको लगता है कि नहीं यू शुड स्टार्ट स्टडिंग फॉर आईनीसेट और यू वॉन्ट अ गुड रैंक इन आईनीसेट टू, तो फिर यू कैन स्टार्ट रीडिंग द सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस जो उसमें आपको इंटरेस्ट आए, ताकि बहुत ज़्यादा लोड भी ना पड़े अभी एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस। नाउ विल डिस्कस द स्ट्रेटेजी स्पेसिफिकली फॉर पीपल जिनका अभी प्राइमरी टारगेट इज दिस अपकमिंग आईनीसेट। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अपने नोट्स जो भी आपने बना रखे हैं टिल नाउ और यू आर प्रिपेयरिंग, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। यू कैन डिवाइड दिस 3 months इनटू लाइक 2 months का पीरियड एंड 1 month का पीरियड इन द एंड, एंड यू कैन हैव टू रिविजन्स। एज वी नो दैट द एग्जाम इज ऑन 10th of November, यू कैन इजिली हैव टू रिविजन्स टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यू शुड स्पेसिफिकली फोकस ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एंड short subjects, because for INESET these are the main scoring subjects for the INESET exam. Apart from it, you should be doing QBank, but QBank se bhi pehle I would suggest ki aap sare PYQs of NEET, INESET and FMG jarur kare, because QBank is important, but these PYQs are a part of QBank only. First thing is that, and another thing is ki agar koi QBank se question repeat hone ka chance hai तो पी वाई क्यू रिपीट होने का चांस उसका 10 times ज़्यादा है। तो यू शुड बी फर्स्ट डूइंग पी वाई क्यूज बहुत अच्छे थे, उसके बाद यू शुड गो टू द क्यू बैंक। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सिंस नीट के बाद वाला आईनी सेट है ना, तो नीट के बाद वाले आईनी सेट में देयर इज अ ग्रेट चांस, क्योंकि बहुत सारे लोग नीट में निकल जाते हैं, वो कॉलेज में एडमिशन भी ले लेते हैं, सो दे वोंट प्रिपेयर मच फॉर द आईनी सेट। एंड अनदर थिंग इज कि जिन लोगों का नीट में अच्छी रैंक आ जाती है उनको मोटिवेशन नहीं रहता इतना टू स्टडी फॉर द आईनीसेट, इवन दो उनको लगता है कि दे शुड बी इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट, इतना मोटिवेशन नहीं रहता बिकॉज यू गॉट अ सीट इतने हार्ड वर्क के बाद। तो इट्स अ ग्रेट चांस टू लाइक क्रैक दिस आईनीसेट अगर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस आईनीसेट। अनदर थिंग इज यू शुड बी गिविंग GTs अभी इनिशियली, यू शुड बी गिविंग मतलब एवरी GT पर 10 days, and in the next one you can give it weekly depending upon your level of preparation and kitna aapne revise kar liya. Another thing is ki if you have prepared 20th copy till now it's very good, agar nahi kiya hai to keep a copy with you, jo bhi aapko notes mein volatile cheez lagti hai and important cheez lagti hai that can come in the exam, you can just add it into 20th copy, so that haath ke haath aapke 20th copy this first revision ke sath prepare ho jaye, so that you can revise it the last month of your preparation. So दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ द प्रिपरेशन, एंड किसी भी प्रिपरेशन का मेन क्रक्स यही है कि यू शुड बी रिवाइजिंग योर नोट्स प्रॉपरली, फोकसिंग ऑन द सब्जेक्ट जो उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। यू शुड बी डूइंग क्यू बैंक्स एंड पी वाई क्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड थर्ड थिंग इज यू शुड बी गिविंग GTs। दिस इज द होल क्रक्स ऑफ एनी प्रिपरेशन, यू शुड मेक अ फ्रेमवर्क ऑफ दिस like steps, you should be revising, you should be attempting QBanks, PYQs and you should be giving GT. And just try to focus on important points, unko 20th copy mein likh ke, you should revise the 20th copy in the last. All the best guys.